देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले के चानन से है। स्किल डेवलपमेंट मिशन केंद्र पर 15 अगस्त 2023 की दोपहर शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा किया गया सर्टिफिकेट वितरण। लखीसराय जिले के बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन केंद्र पर 15 अगस्त 2023 के दोपहर समर वेकेशन में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी को सेंटर के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया। यह सर्टिफिकेट गोपालपुर के रजनी कुमारी, करीना कुमारी, रश्मि कुमारी, जानकी डी के रूपम कुमारी, रामपुर के कुमारी श्वेता, सपना कुमारी, रेवटा के रश्मि कुमारी, निशा कुमारी, धनवा के स्वीटी कुमारी, प्रतिभा कुमारी, रामपुर मननपुर के प्रिंस कुमार, मननपुर के कुणाल कुमार, इटौन के विकास कुमार को दिया गया। इस दौरान केंद्र के कोऑर्डिनेटर जितेंद्र कुमार, लर्नर फैसिलेटर राहुल कुमार, प्रीति कुमारी, सिमरन कुमारी, राजनंदनी, मनीषा कुमारी आदि शामिल रही। यहाँ के शिक्षकों ने बताया कि इन बच्चों को सर्टिफिकेट वितरण करने के उपरांत बच्चों में उत्साह और इस केंद्र के प्रति सजगता भी बनी रहेगी। हालांकि इस केंद्र में सरकार के द्वारा निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देने का कार्यक्रम किया जाता है और यहां वर्तमान में तकरीबन अधिकाधिक लड़कियां इस सेंटर से शिक्षा पाने का भी काम कर रही है। चानन प्रखंड के तमाम पंचायतों से अधिकाधिक लड़कियां यहां आकर कंप्यूटर सीखकर अपने घर की ओर तथा नए कदम किसी दूसरे दिशा की ओर बढ़ाने में अग्रसर हो रही है। क्या कहते हैं शिक्षक? क्या शुभ नाम हुआ मैडम आपका? प्रीति कुमारी। और कौन सी संस्था है ये? केवाईपी कुशल युवा प्रोग्राम है। ये 7 निश्चय के तहत ये बिहार सरकार के द्वारा दिया ट्रेनिंग दिया जाता है। ये संस्था कहाँ है? ये मननपुर बाजार चानन में है। एक बात बताएंगे, आज बच्चे लोगों के बीच सर्टिफिकेट वितरण किया गया, यह सर्टिफिकेट किस आलोक में दिया गया और किस चीज का सर्टिफिकेट है? ये समर कैंप का ये सर्टिफिकेट दिया गया है, जो ये समर सीजन में है, स्कूल के बच्चों को छुट्टी दिया जाता है, उसके बिहाफ में ये ट्रेनिंग दिया जाता है एक तरह से। ट्रेनिंग क्या है? बच्चे लोग को एक तरह से शिक्षा दिया जाता है कि है ना, एक अवेयरनेस के लिए कि उस टाइम भी हमें एक तरह से है ना अडिग रहना चाहिए पढ़ाई के लिए। इससे क्या बेनिफिट होगा? उससे बेनिफिट होगा कि लोग बच्चों के पढ़ाई के लिए एक अवेयर रहेंगे कि है ना वो जरूरी है हमारे लिए और हमारे फ्यूचर के लिए। आज कितने बच्चे को सर्टिफिकेट वितरण किया गया? लगभग 15 बच्चे को। और ये बच्चे कहाँ कहाँ के थे? ये कुछ रेवटा के होंगे, कुछ गोपालपुर, कुछ रामपुर, धनवा और मननपुर के भी हैं कुछ छात्र एवं छात्राएं। सर अपना शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, सेंटर कोऑर्डिनेटर। कौन सा सेंटर है और कहाँ है? ये कौशल विकास केंद्र है, चानन ब्लॉक में, मनपुर बाजार नजदीकी पड़ता है और चानन थाना के सामने किसान भवन के बगल में। आज आपके सेंटर में सर्टिफिकेट वितरण किया गया, कितने विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट दिया गया और इनसे क्या फायदा? सर्टिफिकेट 15 विद्यार्थी को दिया गया, जो कि समर कैंप का वेकेशन था, गर्मी की छुट्टी में कुछ बच्चे जो कि 6-7 क्लास के थे और वो हिंदी भी शुद्ध से नहीं पढ़ पाते हैं, उसे बच्चे को स्कूल द्वारा चयनित करके उस बच्चे को उस लायक बनाया गया जो कि शुद्ध से इंग्लिश बोल पाएँ और वो बुक को भी पढ़ पाएँ और लिख पाएँ। इसमें हमारे स्टूडेंट जो थे वो भी सीख पाएँ, बच्चे को एक्सपीरियंस भी मिला। यहाँ सेंटर में और कौन कौन से सुविधा बच्चों के लिए सर? सेंटर को में निःशुल्क बच्चे को कंप्यूटर सिखाया जाता है और इसके साथ स्किल नॉलेज और लैंग्वेज स्किल का भी नॉलेज दिया जाता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में स्किल और लैंग्वेज स्किल के नॉलेज से परिपूर्ण नहीं है, सिर्फ ये जानता है कि कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अलावा भी 2 चीज़ सिखाया जाता है, जो कि स्किल है और लैंग्वेज स्किल है, जिसमें बच्चे का वो निखार लाया जाता है जो बच्चे के अंदर है और वो कर नहीं पाते हैं।
ये बताएंगे सर आज कितने बच्चे को ये सर्टिफिकेट और कहाँ कहाँ के बच्चे को दिया गया है? ये 15 बच्चा टोटल था जिसको सर्टिफिकेट दिया गया, जो कि मानपुर बाजार, रामपुर, गोपालपुर, रोहटा, जानकी डे, बेलरिया, ये तिताचेक, ये सभी जगह के बच्चे थे जिनको सर्टिफिकेट दिया गया।